अलवर के पूर्व कलेक्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला रिश्वत लेते ट्रैप। जी हां, अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और एक दलाल को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इन तीनों ने एक फर्म द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य को चलने देने की एवज में 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी एडिशनल एसपी विजय सिंह ने बताया, पिछले कई दिनों से अलवर जिला कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिस पर पीड़ित के द्वारा एक परिवाद दायर कराया गया, जिसमें बताया गया कि उनसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए काम में कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। कार्रवाई करते हुए आरएएस ऑफिसर अशोक सांखला रेवेन्यू अधिकारी को 5 लाख की रिश्वत की राशि नितिन दलाल को दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सरकार ने हाल में पहाड़िया का तबादला कर दिया था। फरवरी 22 तक की राशि मांग रहे हैं, जिसमें जिला को वो ये कह रहे हैं कि नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला ₹50,000 प्रति माह के हिसाब से मांग रहे हैं। इस शिकायत का हमने परिवादी सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया आईएएस उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला आरएएस को देने के लिए उन्होंने कहा। आज सुबह से अशोक सांखला आरएएस का सत्यापन करवाया, जिसमें अशोक सांखला आरएएस नन्नूमल पहाड़िया आईएएस की बात से सहमति जताते हुए अपने हिस्से के जो 2 लाख रुपए थे 4 महीने के 50,000 के हिसाब से उसमें 1 लाख रुपए कम करते हुए ये कहा कि मेरे तो 1 लाख रुपए ही दे देना और बचे हुए जो कलेक्टर साहब के जो 16 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए आप मेरे को दे चुके हैं, 11 लाख रुपए बचे हैं, फिर जो मुझे आप टोटल 12 लाख रुपए दे दें। ये सत्यापन सही पाएगा सर, हमने इस ट्रेप कार्रवाई का आयोजन डीपीएचपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके किया और जैसे ही 5 लाख रुपये परिवादी ने अशोक सांखला को आदेश दिए तो हमने कार्रवाई। सर कितने समय से रिश्वत दे रहे हैं? ये जब से एनएच का जो काम चल रहा है परिवादी जैसा बता रहे हैं कि उस समय से ये रिश्वत मंथली के रूप में थे। सांखला को कहां दी गई थी रिश्वत? उसके घर पर। सर इनको इनको कलेक्टर को कब इसको कम दी थी रिश्वत? उसने अल्लाह के तो रिश्वत इनको नहीं थी, सांखला ने रिश्वत अशोक सांखला ने रिश्वत ली है। सत्यापन में दोनों की बात है। कितने रुपए लिए सांखला ने? 7 लाख 5 लाख रुपए 7 रुपए ले चुका है। देखिए इसमें श्रीमान डीजी साहब एसीबी का सुपरविजन था और उन्हीं के सुपरविजन में।